सो वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ द आईपीएम। हमने अब तक पढ़ा माइक्रोबियल ऐसा फ्लोरा एंड फौना जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे मैक्रोबियल बेनिफिशियल निमेटोड्स। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक स्टेम बोरर है, DD136 नियोप्लैक्टेना कार्पोकास है। ये सबसे पहले जापान से लेपिडोप्टेरन्स को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट किया गया था, और नियोटैलेंकस एंड रैबिटिस ये वो इंडियन वैरायटीज हैं जिनकी की और भी पॉसिबिलिटीज खोजी जा रही हैं, और ये बहुत अच्छे नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल हैं। अब वीट कंट्रोल, अब तक हमने सिर्फ इंसेक्ट से इंसेक्ट्स का या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म का या माइक्रोब्स टू ऑर्गेनिजम्स का कंट्रोल पड़ा। अब हम वीट की कंट्रोल की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी भी पहले कहा था पहले लेक्चर में कि लैंटाना कमारा जो है ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक प्लांट है, तो इसको ऑर्थेजिया नाम के बग से कंट्रोल करते हैं। ओपनशिया बल्गैरिस जो कि नागफनी है, ये राजस्थान जैसे एरिया में और ख़ास करके श्रीलंका में बहुत बड़ा हजार था, और इसको डैक्टिलोपियस से कंट्रोल किया गया। ओपनशिया स्ट्रिक्टा जो कि अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, इसको कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम मॉथ्स द्वारा कंट्रोल किया गया। साथ ही सर्वीनिया मोलेस्टा जो कि फ्लोटिंग फॉर्न था, अमेरिका से ये श्रीलंका में आ गया था और वहाँ के पूरे पानी में फैल गया था, इसको कंट्रोल किया था सर्टोबेगस सैलिनी बीस। हमारे देश में भी कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आ गए हैं, जैसे कि आइशॉर्निया है, पार्थिनियम है, तो हमको भी आज अभी भी कई ऐसे नए आयाम खोजने हैं जिससे कि इनको कंट्रोल किया जा सके। अब हम बात करते हैं जेनेटिक कंट्रोल की, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बायोलॉजिकल कंट्रोल की। जैसे कि आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल टमेटो में दिखाई दे रहा है, और आप सबको क्राई जीन याद आ गया होगा जो कि क्राई प्रोटीन बनाता है, जिसके कारण जो दूसरा इंसेक्ट है जो भी इस पर ग्रो करता है वो टॉक्सिक इसके लिए प्रूव होता है क्राई प्रोटीन, और ये मर जाता है। हम कैसे इसकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं ये हमने अभी भी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो जेनेटिक कंट्रोल की जब हमने बात की थी तो फर्स्ट प्लान जो जेनेटिक मैनिपुलेशन का था वो पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट था, और जो सेकंड प्लान जो मॉडिफाई किया गया था वो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो भी हमने ऑगमेंटेड या कोई ऐसी वैरायटी अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि विटिस वेनिफेरा का मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसमें जो फिलोसेरा था, एफिड था, उसने वाइन इंडस्ट्री को डैमेज किया था, और जो विटिस लैब्रस्का था ये फिलोसेरा के लिए रेजिस्टेंट पाया गया। तो इस तरह से हमने नई वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस करके, जैसे बैसिलस थुलिनेंसिस था, ये द क्रॉप इज इम्प्रोवाइज बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसके द्वारा हमने पेस्ट को कंट्रोल किया टमेटोज में और बाकी अन्य क्रॉप्स में। मेल स्टेरिलिटी टेक्निक, आपने बहुत आसानी से कई खेतों में, आपके भी खेतों में आपने यूज़ किए होंगे फेरोमोन ट्रैप्स को यूज़ किया होगा। जो फेरोमोन्स हैं ये बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स हैं, सो दे आर नॉट एंडोक्राइन, दे आर एक्सोक्राइन केमिकल्स, एंड दे आर द केमिकल्स विच आर मेनली सेक्शुअली अट्रैक्टेंट्स का काम करते हैं, और इनको यूज़ करके फेरोमोन ट्रैप्स बनाए गए, और मेल इंसेक्ट्स उससे अट्रैक्ट होते थे ये समझ के कि फीमेल वहाँ पर है, और उसी के ट्रैप्स में फंस के रह जाते थे और इनको मार दिया जाता था। जो टेक्निक्स है और भी कई टेक्निक्स जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल की है, जैसे अभी हमने कहा इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेशन, ऑगमेंटेशन, कंजर्वेशन,
ये तीन मेजर टेक्निक्स है, इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेशन कहलाता है. इनसफिशिएंट इफेक्टिव नेचुरल एनिमीज आर नॉट प्रेजेंट. कई ऐसे स्थान है तो नेचुरल लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, किसी और स्थान पे, किसी और एरिया में है हमारे देश के या प्रकृति के, तो हम वहाँ से लाकर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये हो गया इम्पोर्टेशन या इंट्रोडक्शन. दूसरा है ऑगमेंटेशन, कि इज द पीरियोडिक रिलीज ऑफ द नेचुरल एनिमी दैट डज नॉट अकर नेचुरली इन सफिशियंट नंबर्स टू कीप द पेस्ट. तो इनको आर्टिफिशियली भी हम इनको रेयरिंग करके और फिर इनको हम फील्ड्स में बाकायदा, जैसे हम मक्खियों को, मधुमक्खियों को रेयरिंग करते हैं या किसी और ऑर्गेनिजम्स की रेयरिंग करते हैं, तो इस तरह से लैब में या ऐसे कोई खास कर के टेक्निक्स डेवलप करके उनको ग्रो करके, हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी डिटेल में, खास करके ट्रैकोग्रामा के बारे में, तो वो ऑगमेंटेशन कहलाता है. देन कंजर्वेशन, जो ट्रेडिशनली चली आ रही हैं कई ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ऊपर रात को लैंप जला दीजिए और नीचे पानी भर के रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, तो वो आपके सारे के सारे जो कीट पतंगे हैं वो उस लाइट से अट्रैक्ट होकर वहाँ पे आके गिर जाएंगे. तो ये भी एक बहुत अच्छा नेचुरल टेक्निक है, तो ये भी आपको इससे पेस्ट से छुटकारा दिला सकती है. बायोपेस्टिसाइड्स एंड एजेंट्स, इनके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस ये हैं कि ये केमिकल पेस्टिसाइड से आपको बचाते हैं और ये आपके लिए एक टारगेट स्पेसिफिक केमिकल जो पेस्टिसाइड्स हैं उनसे आपको प्रिवेंट करते हैं कि आप उनसे अफेक्टेड ना हो. और इतना ही नहीं, ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है क्योंकि नेचर में इनका साइकिल भी चलता रहता है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है. ऐसे बैसिलस थ्रोमिनजेनेसिस की जैसे हमने बात की, कॉमनली यूज होता है बायोपेस्टिसाइड की तरह. एंड बैक्टीरियोवायरसेस एंड नीम का एक्सट्रैक्ट है, जो आइपोमिया का एक्सट्रैक्ट है, यूकलिप्टस का एक्सट्रैक्ट है, इनके एक्सट्रैक्ट्स को भी हम लेकर खास तरह के बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं जो कि हमें इन पेस्ट से बचा सकते हैं. इतना ही नहीं, जो ट्राइकोग्रामा है ये एक खास तरह का इंसेक्ट है जो कि पैरासाइट एंड पैरा प्रेडेटर्स ऑफ द पेस्ट है, और उनके जो एग्स हैं ये भी, ये उसका ट्राइकोग्रामा का लाइफ साइकिल आपको दिखाई दे रहा है. ये ट्राइकोग्रामा का ओरिजिनल फोटोग्राफ है, ये कॉर्सेरा सिफेलोनिका का है और ये फॉरेस्टर मोड का है. ये लेपिडोप्टेरन्स के पेस्ट को कंट्रोल करता है और ये आप देखिए ये इनके एग्स हैं और जिनसे ये ट्राइकोग्रामा ग्रो करता है, ये इसका एग्स है. ऐसे ही बटरफ्लाइज, स्किपर्स, मॉथ्स, ये सारे के सारे भी अपने आप में एक दूसरे को भी कंट्रोल करते रहते हैं. कॉर्सेरा ये भी एक इंसेक्ट है और इसका कॉमन नेम है राइस मॉथ, इंग्लिश में कहते हैं, और ये मेजर पेस्ट है जो कि स्पोर्ट ग्रेन में, पर्ल मिलेट्स में और सॉर्गम में ये पाया जाता है और इसका बहुत सालों से कंट्रोल का टेक्निक्स छोड़ दी जा रही है और उनको यूज भी किया जा रहा है. अब हम बात करेंगे कि ट्राइकोग्रामा मॉथ जो पैरासाइटॉइड है, ये एक वास्प्स है, वास्प है जो कि ट्राइकोग्रामिटिडी फैमिली को बिलोंग करता है और इसके एक स्पीशीज जो है ये कैबेज लूपर, कोडिंग मॉथ, ओरिएंटल फूड मॉथ और इन सब के लिए बहुत भारी पड़ती है और ये आर्टिफिशियली भी ग्रो की जाती है लैबोरेटरीज में. लेट अस सी, ये अपनी लाइफ साइकिल, और जैसे मैंने आपको कहा कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, तो ना केवल पेस्ट की बल्कि आपको उनकी नेचुरल पेस्ट या ऑगमेंटेड जो नेचुरल कंट्रोल्स हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल्स एंड जो ट्राइकोग्रामा जैसे और भी कई ऐसे ऑगमेंटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल्स जो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उनकी भी लाइफ साइकिल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप उनको लेबोरेटरी में ग्रो करके और उनको इंट्रोड्यूस ज़रूरत पड़ने पे अपने फील्ड्स में कर सकते हैं. एक सिंगल एडल्ट फीमेल जो है वो 100 अंडे लगभग देती है और इट कैन फ्लाई अप टू 18 to 20 मीटर्स. ये इसका लाइफ साइकिल आपको दिखाई दे रहा है बायोलॉजिकल ट्राइकोग्रामा का.
और इसकी जो एग स्टेज है वो 16 to 24 hours में तक रहती है। उसके बाद लार्वल पीरियड इसका 2 to 3 days तक रहता है और प्यूपल पीरियड जो है 2 to 3 days तक रहता है और एडल्ट 1 to 2 days तक जीवित रहता है। तो इसके अंडों के फॉर्म में इसको हम नेचर में मतलब फील्ड में एक्चुअली अपने ज़रूरत की जगह पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स बिकॉज दे किल द पेस्ट बिफोर दे हैच एंड स्टार्ट फीडिंग ऑन योर क्रॉप। ट्राइकोडर्मा का जो यूज़ है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, ये सेवरल डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द ट्राइकोडर्मा यूज की जाती हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा किलोन, ट्राइकोडर्मा जेपोनिकम, ट्राइकोडर्मा एम्ब्रियोपेगम, और ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए शुगर कैन, टोमेटो, बीन्स, कॉटन, ये इनके लिए अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग समय पर और ह्यूमिडिटी में यूज किए जाते हैं। इसका जो कमर्शियल रिलीज है आइडिया फार्मिंग, एक्चुअली द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसको प्रारंभ किया था, रेयरिंग ऑफ ट्राइकोडर्मा। इसकी सबसे पहले जो इंसेक्ट टिपिकली ए स्पीशीज ऑफ मॉथ प्रोड्यूस एग्स इन विच द वास्प विल डेवलप, इसको हमको सबसे पहले मास रेयरिंग में यूज किया गया था। ऑगमेंटोइस ग्रेन मॉथ, सिटोट्रोगा एंड द मेडिटेरेनियन फ्लोर मॉथ एम्फेसीटा आर इजीली एंड इनएक्सपेंसिवली रियर्ड ऑन वीट और अदर ग्रेन्स एंड आर कॉमनली यूज टू रियर ट्राइकोडर्मा। तो ये इसके द्वारा कंट्रोल होते हैं और इनको हम अगर लैब में ले आए तो उसके ऊपर इनको रेयरिंग किया जाता है। इसके लिए क्या क्या हमको चाहिए, कि इसकी रिक्वायरमेंट्स है, लेमिनार फ्लो चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए, डीप फ्रीजर चाहिए, ह्यूमिडिफायर चाहिए, अवन चाहिए, ये इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा इसके लिए इसका फूड चाहिए एंड मेनली जो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी की बहुत जरूरत है। अब इसके लिए जो इसका टेक्निक है वो है, ये इसका प्रोटोकॉल है, कि चार्जिंग ऑफ द कल्चर बॉक्सेस, कलेक्शन ऑफ द एडल्ट्स, एग कलेक्शन फ्रॉम द एडल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ दी स्टार्च, यूवी ट्रीटमेंट ऑफ द एग फॉर 15 minutes, and then these cards are exposed to trichogramma species for parasitization and the parasitized eggs turn black on the 5th day. और जब ये 5th day में black हो जाते हैं तो उसके बाद trichocards are stored up to 10 to 15 days in the refrigerator at 10 degrees Celsius at the pupa stage. And how the parasitoids are released, उनका कार्ड बना दिया जाता है और ये कार्ड्स बना के जो है ये फील्ड में लगा दिए जाते हैं और इनके द्वारा जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, वाई टू यूज ट्राइकोडर्मा, द ट्राइकोडर्मा पैरासिटाइजेस द एग्स दस किलिंग द बॉलवर्म्स एंड अदर लेपिडोप्टेरस पेस्ट before they could inflict the damage on the pest host. सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये पेस्ट को बहुत जल्दी खाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से रेयर हो सकता है और बहुत जल्दी ये अपने आप को खेतों में जाकर ग्रो कर जाता है और इससे पहले कि पेस्ट हमारे क्रॉप को परेशान करे, डैमेज करे, ये उनको खत्म करें। और इनका लाइफ साइकिल क्योंकि सिर्फ 1 to 2 days का है तो उसके बाद ये खुद भी मर जाते हैं, तो हमें इस बात की भी कोई चिंता नहीं है कि ये ही हमारी क्रॉप को खाने ना लगे। क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने कोई ऐसा बायोलॉजिकल कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया और बाद में वही आपके लिए नुकसानदायक हो गया, वही आपके खेत को खाने लगा, तो फिर क्या फ़ायदा। कई ऐसी चीज़ें जो कि ट्राइकोडर्मा को यूज़ करने से पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा, कि इसके जो वास्प हैं अगर उनको फ्लावर का नेक्टर मिलता रहा तो ये बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि इनको जब आपकी क्रॉप में फ्लावरिंग नहीं हुई और उससे पहले ही आपको इनको इंट्रोड्यूस कर देना है, जिससे कि फ्लावर के नेक्टर को नहीं पी सकते। तो ये कुछ एक केयर्स हैं जो कि आपको ट्राइकोडर्मा के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। ये कुछ एक लिमिटेशंस हैं
इनको शॉर्ट पीरियड में, जैसे अभी हमने देखा 10 डिग्री सेल्सियस पे थोड़े ही दिनों के लिए हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, तो ये भी एक लिमिटेशन है। मार्केटिंग लार्ज स्केल पे अगर इनको रखना है तो इनका प्रोडक्शन और इनका मार्केटिंग एक अपने आप में समस्या है, क्योंकि इनको 10 डिग्री सेल्सियस पे रखना तो ब्रांकोट में आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ये जो है कोई भी शॉपकीपर्स या डीलर्स जो है रीजनेबली अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया, आप चाहें तो आप अपना कोर्स भी चालू कर सकते हैं, बट ये रिस्क को ध्यान में रखते हुए। अब पेस्टिसाइड जो ट्रेड मिल है वो क्या है, कि इसका मतलब ये है कि अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स में क्या ख़राबी है, तो हम अगर उनसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि अभी हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल के भी नुकसान पड़े, तो क्या हम केमिकल पेस्टिसाइड पे जंप कर जाएं? ओके, हम कह रहे हैं ओके कर जाएं। तो फिर आइए हम थोड़ा सा इसके भी डिसएडवांटेजेस को पहचान लें। पहली बात रेजिस्टेंस, कि जो पेस्ट हैं ये जेनेटिकली रेजिस्टेंट हो जाते हैं कुछ समय के बाद उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड के लिए। दूसरी बात रिसर्जेंस, द पेस्टिसाइड्स ऑफन किल ऑफ द नेचुरल एनिमीज अलोंग विद द पेस्ट, पेस्ट के साथ साथ उसके नेचुरल एनिमीज जो ऑलरेडी हैं वो भी तो मरेंगे। जहर तो सभी के लिए जहर है, ऐसा नहीं है कि एक के लिए जहर है और दूसरे के लिए नहीं है, वो तो सभी के लिए है। सेकेंडरी पेस्ट, सम पोटेंशियल पेस्ट दैट आर नॉर्मली केप्ट अंडर गुड कंट्रोल बाय नेचुरल एनिमीज बिकम एक्चुअल पेस्ट आफ्टर द नेचुरल एनिमीज आर डिस्ट्रॉयड। अब पहला और दूसरा मिलके क्या होगा, तीसरी बात उत्पन्न हो जाएगी। पहले वाले केस में आपका जो पेस्ट था वो इम्यून हो गया, मतलब वो सर्वाइव कर गया, जो नेचुरल हो आपका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल था, जो नेचुरल किलर था एक्चुअली उस पेस्ट का, वो लेकिन मर गया। तो अब आपके पास क्या बचा, और स्ट्रॉन्गर पेस्ट, आपका जो अब अगली जनरेशन का पेस्ट आया, आपका जो आपका एनिमी अब जो आया वो पहले से स्ट्रॉन्ग हो के आया, तो ये आपके लिए एक और नुकसान का सौदा हो सकता है। रेजिड्यूज, ओनली अ मिनट पोर्शन, माइन्यूट पोर्शन ऑफ एनी पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स द टारगेट ऑर्गेनिज्म। इतना सारा पेस्टिसाइड यूज करने के बाद बहुत थोड़ा पेस्टिसाइड ऐसा है जो एक्चुअली टारगेट पर पहुंच के उसको किल करता है, बाकी का पूरा वहां पर भी पहुंचता है जहां पर कि उसको नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब कि आपकी क्रॉप, आपकी सॉइल, आपका वाटर सोर्स, आपकी एयर, ये सब जगह फैल जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये अब आप सोचिए कि क्या हमारा फ्यूचर सेफ है केमिकल कंट्रोल में या बायोलॉजिकल कंट्रोल में। नाउ द चॉइस इज योर्स, यू हैव टू डिसाइड। थैंक यू वेरी मच।